वालेकुम जी क्या हाल चाल है आप सबके आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल तो जी आज की जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये है बी रोजे की माशाल्लाह और तो आज थी मेरे घर पे वनडे शिवतार और घर पे कौन कौन आया था वो आपके साथ बाद में डिटेल में शेयर करती हूँ अभी यहाँ पे डायरेक्ट आपके साथ रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ तो पहले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे ना मैं चिकन पकोड़े की रेसिपी स्टार्ट की मैंने मैरिनेशन कर रही हूँ चिकन की इसमें मैंने चिकन बोनलेस भी ले लिया था साथ में चिकन जो बोन के साथ है वो पीसेस ले लिए थे और जो भी घर के बेसिक से मसाले होते हैं मैंने वो सारे इसमें ऐड किए थे लाल मिर्च पाउडर इसके अलावा काले मिर्च पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला इसके अलावा लसन अंदर का पेस्ट भी ऐड किया था लीम का रस ऐड किया था नमक धनिया ज़ीरा पाउडर और अगर हुआ है तो आपको बेशक डाल सकते हैं इसके अलावा थोड़ी सी मैंने अजवाइन इसमें ऐड की थी और अभी बस मैंने इसमें चिली सॉस सोया सॉस और विनेगर विनेगर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैंने इसमें लीमू भी डाला है अगर आप लीम ज़्यादा डाल लेते हैं तो बेशक विनेगर ना डालें तो बस मैंने ये चीज़ें डाल के और बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके तो मैंने फ्रिज में रख दिया था बस अब यहाँ पर नेक्स्ट रेसिपी की मैं मैरिनेशन कर रही हूँ जो कि मैंने चिकन के ना छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे आप चाहें तो इनको लंबे जो चिकन के पीसीस कर सकते हैं मतलब थोड़े से लंबाई में जिस तरह से हम कट करते हैं चिकन को बोनलेस आप वो भी कर सकते हैं तो मैंने जो है ना स्मॉल क्यूब्स में कट किया था और मैं ये बना रही थी यहाँ पे चिकन चाउमिन और इसके लिए मैं यहाँ पे चिकन के मैरिनेशन कर रही हूँ मैंने इसमें डाला था नमक काले मिर्च लहसन अदरक का पेस्ट और इसके अलावा कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ताकि जब बाद में चिकन अपना पानी छोड़ेगा ना तो एब्जॉर्ब कर लेगा वो कॉर्नफ्लोर को काफ़ी अपने अंदर ना तो बस वो मैंने रख दिया साइड पर और अभी मैं यहाँ पर तैयार करने लगी हूँ निहारी तो इफ़्तारी के बाद ना खाना खाया ना जाए लेकिन निहारी अगर बनी हो ना तो वो बहुत शौक से सब खा लेते हैं सबको ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस इस रमजान में और जो मैंने यहाँ पर भी निहारी की तैयारी की थी और अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है ऑयल में ना प्याज को पहले ब्राउन कर लिया था आप यहाँ पर देख सकते हो इसको मैंने सेपरेट कर निकाल लिया है और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा ड्राई हो जाएंगी प्याज बाकी मैंने ऑयल में बिल्कुल भी प्याज नहीं थी छोड़ी मतलब एक दो कहीं पर पड़ी होगी लेकिन बाकी मैंने उसमें सारी जो है ना सेपरेट कर ली थी बस उसमें मैंने डाल दिए सारे चिकन के पीस और साथ ही तरह का मैंने पेस्ट डाल दिया उसमें और चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ साथ ही ना मैंने इसमें थोड़े से मसाले भी डाल दिए थे जिसमें मैं डाल रही थी आ, नमक और आ, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी इसके अलावा धनिया और जीरा बस ये चार पाँच मसाले ना मैंने ऊपर से और ऐड किए थे क्योंकि जरूरत तो नहीं होती वैसे नारी मसाला डालने के बाद लेकिन मैंने खुद से थोड़े से ना हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और नमक और धनिया ज़ीरा धनिया ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में बाकी लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी क्योंकि नारी के मसाले में भी थोड़े से स्पाइस होते हैं तो बस ये सब डाल के भी मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे और अभी जो है मैंने टमाटर को भी ब्लेंड कर लिया था अच्छा नारी में ना वैसे लोग टमाटर नहीं डलते बल्कि नहीं डालते इसमें ना टमाटर तो क्योंकि रेसिपी में होता ही नहीं है ये टमाटर इसमें इसमें सिर्फ प्याज से ही आ, जो है तड़का वगैरह इन पे लग जाता है और इसके अलावा प्याज को ब्राउन करके निकाल लेते हैं बाकी चिकन जो है वो उसमें दही वगैरह में पक जाता है लेकिन मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ बहुत से लोग डालते भी होंगे तो मैं यहाँ पे टमाटर मैंने ब्लेंड भी कर लिए हैं साथ में और साथ में ना अभी मैंने यहाँ पर इसमें हरी का मसाला भी डाल दिया और बस इसको अच्छे से फ्राई होकर लूँगी मसालों के साथ ताकि फिर बाद में टमाटर डाल दूँ तो अभी यहाँ पे मैंने साथ ही जो है स्पैगरी भी पानी में रख दी है बॉईल करने के लिए क्योंकि मुझे चाउमिन बनाना था साथ में तो बस अभी यहाँ पे ना मैंने पानी में थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक उससे ना ऑयल से ना ये होता है कि स्पेगरी आपस में ना चिपकती नहीं है तो बस बाद में अगर ठंडे पानी में भी आप डाल दें तो उससे भी बिल्कुल भी नहीं चिपकती है तो बस मैंने दोनों चीज़ें डाल के स्पेगरी डाल दी है और मैंने थोड़ा सा बीच में तोड़ लिया था ताकि खाने में आसानी हो और बस ये जब हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी और अभी आप देख सकते हो कि आपको पैन खाली नजर आ रहा होगा वही पैन सेम है और मैं उसमें ऑयल डाल रही हूँ तो आज की जो ये वीडियो है ना मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लेके बनाई थी क्योंकि आज के में मुझे बहुत तंग कर रहा था कभी उसको सोना था और जब सुलाने जाओ तो वही नहीं था सोपा पा रहा तो बस पावर किचन में मेरे पास आ रहा था मुझे निहारी को चार पाँच दफ़ा बीच में जो है ना चूल्हा बंद करके जाना पड़ा रूम में और फिर आके दोबारा से इसको चेक करती थी कि कहाँ तक है तो बस ऐसे ही है अभी स्पैगेटी को मैं यहाँ पे छान के ना दोबारा घर में रूम में चली गई थी और बस अभी आके दोबारा से मैंने इसमें पैन को वॉश किया है और अभी इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि जो मुझे चाउमिन के साथ जो उसमें मुझे चिकन डालना था जो मैंने मैरिनेशन करके रखा था आ, वो भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी अच्छा निहारी मैंने बस अभी यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और बस टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ जब ये भुनने लग जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी दही और बस भुनाई करके इसमें हम पानी डाल देंगे अच्छा यहाँ पे जो मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ ना मैंने इसकी जो कोटिंग की है ना कॉर्फ्लोर ये लास्ट में कीजिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर से ना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा आ जाता है तो चामिन में जो चिकन होता है ना उसका ऊपर एक बड़ा क्रिस्पी सा लेयर होता है तो अगर आप कॉनफ्लोर ड्राई करके मतलब जो ड्राई फॉर्म में कॉर्नफ्लोर होता है वही ऐड करेंगे तो बड़ा क्रिस्पी सा चिकन फ्राई हो जाएगा बिल्कुल पानी ऐड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि चिकन का थोड़ी बहुत थोड़ी देर बाद जो भी पानी वगैरह एक्स्ट्रैक्ट होता है तो वो उसी में ही जो है ना जॉनफ्लोर बड़े अच्छे से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छा यहाँ पर ना बस अब मैं नारी के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर वगैरह डाले थे मैंने तो अच्छे से हो गई है मैं डाल डाल रही हूं दही दो तीन मैंने बड़े चम्मच दिए थे और अगर आप टमाटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो बेशक आप दही ना डालें मैंने लास्ट टाइम जब ने बनाई थी रमज़ान भी बनाई थी मैंने तो मैंने उसमें दही नहीं था डाला तो तब मैंने टमाटर ही बस यूज़ किया था और मुझे बाद में ख्याल आया था कि जब मैंने निहारी लास्ट टाइम बनाई थी तो मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर भी नहीं डाला लेकिन फिर भी वो अच्छी खासी गाढ़ी हो गई थी और मुझे बाद में एडिट करते हुए वीडियो याद कि मैंने तो कॉर्नफ्लोर डाला ही नहीं लेकिन इस दफ़ा तो खैर मैंने जब शोरबा वगैरह इसका तैयार हो गया था तो मैंने इसमें और एड किया था थिकनेस के लिए तो अभी साथ साथ ना यहाँ पे मैं लवासमात भी तैयार कर रही हूँ अनहारी के साथ के जो प्याज़ है वो थोड़ी ड्राई हो गई है वो मैंने एक प्लेट में साइड पे कर दी है साथ में लीमू काट लूँगी और एक लीमू के जैसे चार पीस कर लूँगी साथ में दो हरी मिर्च काट लूँगी और थोड़ा सा धनिया मैंने अदरक अदरसिंदी काटी क्योंकि कोई इतना शौक से खाता नहीं है तो फिर वो ज़ाया ही हो जाती है तो बल्कि इस सामान में से भी ना काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वेस्ट हो जाती हैं नेक्स्ट डे फिर है कि कुछ और आप बना रहे हो खाना वगैरह तो उसमें ये चीज़ें यूज़ हो ही जाती हैं तो बस अब ऐसे ही होगा मुझे कल जो बनाना होगा मैं बाकी उसमें यूज़ कर लूँगी तो अभी बस यहाँ पर ना अच्छा मुझे आपके साथ ये शेयर करना था कि घर पे कौन आया था तो आया था जी मेरी मेरे बहन भाई आए थे और मेरी कज़न्स आई थीं और वो कज़न् मेरी बहनों की तरह ही हैं क्योंकि शादी से पहले मेरे साथ मेरे चाचू रहते थे और उनकी बेटियाँ मतलब हमारे साथ ही नहीं हैं शुरू से बचपन से तो बस एक फ़ैमिली की तरह ही हैं और सारी जो बहनें हैं और जो भाई मेरा वो आए थे और बस इफ्तार हमारी वन डिश अफ़ार इस तरह से हो गई क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि आपके ऊपर सारा बर्डन नहीं डालना तो फिर एक डिश जो थी वो लोग लेके आए थे चना चाट बहुत ही मज़े की जो कि बनी हुई थी और दूसरी चीज़ वो लेके आए थे चिकन समोसे वेजीज चिकन समोसे जो कि वो घर से ना फिल करके और समोसों को बना के लेके आए थे बस यहाँ पर आके फ्राई कर लिया था और काफ़ी आके भी मेरी हेल्प कर दी थी कि मुझे फ़ील नहीं था हुआ कि हमारे घर पर गेस्ट आए हुए हैं और

दूंगी तो उसके बाद फिर जो भी बाकी के काम है वो देख लूंगी तो अगर आप लोगों ने भी इस रमज़ान में कोई दावत करनी है और अपने घर में गेस्ट को बुलाना है या फिर कोई आने वाला है तो आप लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब कोई वनडे शिवतार कर ली जाए क्योंकि इस तरह से एक एक के ऊपर जो है वो बर्डन भी नहीं पड़ता क्योंकि रमज़ान में ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक के ऊपर बर्डनाइज़ मतलब एक को करना बर्नाइज़ ये अच्छा अच्छा भी नहीं लगता तो फिर ये वाली जो आइडिया ना कि आप वनडे शिवतार कर सकते हैं तो ये ज़रूर कीजिएगा तो बस अभी यहाँ पर जी आज कोई दो दिन हो गए हैं धूप इतनी तेज़ निकल रही है अच्छी खासी गर्मी हो रही है कि अब भूख के साथ साथ जो है वो प्यास भी लगती है और मतलब रोजा अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया लेकिन खेल ने जो बाकी के रोजे अच्छे से गुजारे हैं आगे भी खैर से गुजर जाएंगे तो बस अभी यहां पर जो उस्मान को खाना वगैरह खिला के मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और यहाँ पर तकरीबन बीस से पच्चीस मिनट तक मैंने ना धीमी आंच पर रखा हुआ था नारी को पकने के लिए क्योंकि मैं पानी वगैरह डाल के चली गई थी और अभी यहाँ पर अच्छे से चिकन गल चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी कॉन्नफ्लोर और मैंने दो चम्मच कॉनफ्लोर लिए थे और अच्छी खासी थिकनेस हो गई थी क्योंकि बाद में भी ना ये पक्के और ज्यादा हो जाती है तो बस यहाँ पे निहारी जो है वो बिल्कुल पक चुकी है तो बस यहाँ पे नारी रेडी हो गई थी और इस वक्त ना गेस्ट भी आ चुके थे तो यहाँ पे ना लवासमा जो मैंने रेडी किए थे ना वही मैं थोड़े से ऊपर से डाल दूँगी गार्निश करने के लिए और बाकी जो सर्विंग टाइम पे जो है वो यूज़ हो जाएंगे तो यहाँ पे अभी मैं शरबत की तैयारी करी थी और जब मैं बना रही थी यहाँ पर दूध सोडा वैसे तो दूध सोडा जो है उसमें जामेशश्री नहीं डलता चीनी डाल के आप स्प्राइट वगैरह डाल लेते हो लेकिन मैं यहाँ पे जामे यूज़ कर लेती हूँ तो मैं अभी यहाँ पर ना दूध में जामे डाल रही थी और उसके साथ मैंने बनाया था जामे टैंक तो मैं ना जामेरी टैंक को भी मिक्स कर लेती हूँ मतलब जामे बना के उसके बाद मतलब अच्छा सही जो प्रॉपर मीठा होता है उतना उस, मीठा करके उसके बाद उसमें टैंक डाल देती हूँ वो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है दोनों के साथ ना तो बस खाना वगैरह बनाने के बाद शरबत वग़ैरह बनाया मैंने और उसके बाद मैं जाके बाहर बैठ गई थी और बस हम लोगों ने बातें शाते की हैं नमाज़ वगैरह पढ़ी है टाइम पास किया क्योंकि उसके बाद साढ़े पाँच क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा था उस वक्त तो बस फिर साढ़े पाँच बजे मैं दोबारा किचन में आई हूँ अब ताकि जो भी अब काम ख़त्म करने है वो कर ले कर ली जाए अब की तैयारी तो बस अभी यहाँ पर फ्राइंग का काम भी स्टार्ट हो गया था यहाँ पे ना अभी फ्राइंग का काम जो है वो आयज़ा कर रही है और ये मेरे चाचू की सबसे बड़ी बेटी है इसने मेरी बहुत हेल्प करवाई थी और इसके अलावा बीरा ने हमना बिया सब ने ही बहुत हेल्प करवाई थी और बहुत ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो गई थी तो यहाँ पे ना अभी बस मैं चाउमीन की तैयारी शुरू की है मैंने सारी जो वेजेज़ हैं वो मैंने डाल दी हैं ऑयल में फ्राई होने के लिए और मैं इनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी क्रंची ही रखूँगी मैंने इसमें प्याज डाला था गाजर शिमला मिर्च और बंद गोभी बस ये चार चीज़ें डाली और अभी यहाँ पर ना मैं सॉस रेडी कर रही हूँ अच्छा यहाँ पर ना मैंने सॉस सेपरेट रेडी किया था और फिर डाला था लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने जिस तरह से हम ऊपर देची में डालते हैं पैन में डालते हैं ना वैसे ही डालें क्योंकि उस तरह से ना मुझे खुद भी अंदाजा रहता है कि हम क्वांटिटी कितनी ज़्यादा डाल रहे हैं आ, चिली सॉस की या सॉस की दूसरे सॉसेस की और इस तरह से सेपरेट डालते हुए ना मुझे अंदाजा नहीं हुआ और मैंने सब चीज़ें कम कम ही डाली थी तो मुझे एंड एंडपेट लग रहा था कि थोड़ा सा फ्लेवर ना और सब चीज़ों का होना चाहिए था तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा चिली सॉस ले लिया सोया सॉस ले लिया विनेगर और यहाँ पर मैं हनी ले रही हूँ अच्छा तो मैंने ना इसमें हनी डाले क्योंकि थोड़ा सा ना स्वीट फ्लेवर होता है जो चाउमिन होता है ना उसमें थोड़ा सा मीठा फ्लेवर अच्छा लगता है तो अगर आपके पास शहद ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा डिज़ोल्व करके लें और मैंने थोड़ा सा क्वान्टिटीज़ इस तरह से रखी थी कि तो मैंने इस पैकेटी का जो वो एक पैकेट यूज़ किया था बाकी वेजिटेबल्स अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं और इसके अलावा मैंने इसमें सॉसेज डाले थे चिली सॉस मैंने इसमें डाला था टू टेबल स्पून और इसके अलावा मैंने इसमें विनेगर डाला था वन एंड हाफ़ टेबल स्पून इसके अलावा सोया सॉस डाला था टू टेबल स्पून तो मुझे ये सब ना सॉसेज थोड़े से कम लग रहे थे आप अगर एक पैकेट यूज़ कर रहे हो तो थ्री टेबल स्पून कर लीजिएगा इनके जो है ना सोया सॉस और चिली सॉस के और इसके अलावा ना मेरे पास रेडीमेड इमली चटनी पड़ी हुई थी इमली सॉस जो रेडीमेड मिल जाता है मार्केट से तो मैंने वो इसमें डाला था टू टेबल स्पून अगर आपके पास वो ना हो तो आप सिंपल जो सॉसेज़ हैं वो डालते हैं बाकी अगर आप ऑयस्टर सॉस है आप वो डाल लें इसमें और साथ ही मैंने इसमें हनी डाला था टू टेबल स्पून और बाकी जो नमक है काली मिर्च है वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जो भी नमक मिर्च आप जिस तरह से खाते हो या पसंद करते हो तो बस ये चीज़ें इसमें डाली गई थी और इसके अलावा इसमें कैचअप गया था कैचअ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है वो थ्री फोर टेबल स्पून गया था और बस इन चीज़ों को डाल के तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और बस यहाँ पर जब कम्प्लीटली आप सॉसेस डाल देंगे और उसके बाद आपको मज़ीद ज़्यादा कुक नहीं करना होता आपने बस इसमें डाल देना है चिकन और बस मिक्स करके आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना बस ये रेडी हो जाता है इतने में अच्छा यहाँ पर ना मैं चाट की तैयारी कर रही हूँ तो ये चाट जो है ना ये मैंने नहीं थी बनाई बल्कि ये मेरी कज़न लेके आई थी घर से बना के और इस तरह से ना वो सब चीज़ें मिक्स करके बना के मिक्स करके जो है एक कंटेनर में लेके आई थी और बल्कि वो साथ में दही और चटनी वगैरह भी ले थी जबकि उसको मैंने मना किया था कि मेरे पास सब कुछ है ये चीज़ें तो डालने के लिए लेकिन वो बाकायदा इस पर स्पेशल इमली का पानी ये देख सकते हैं आप इमली का पानी बना के लाई थी साथ में दही लेके आई थी और मेरे पास ना थोड़ा सा जो है आलू बुखारे का सॉस पड़ा हुआ था मैंने वो डाल दिया और मेरे पास ग्रीन चटनी थी तो बस मैंने वो डाल दिया फिर इतनी मज़े की ये चाट बनी थी लोबिया चाट थी और बहुत ही मज़े का Jag flyger där jag tänker. तो यहाँ पे समोसे फ़्राई हो रहे थे चिकन समोसे बना के लेके आई थी वेजेज़ चिकन समोसे मेरी बहन बना के लेके आई थी और बहुत ही मजे के बने हुए थे बस यहाँ पे दसर खबान भी सेट हो गया था क्योंकि अफ्तारी का टाइम बस हो गया था और आज जो है ना हमने नीचे बिछाया था दस्तर खबान तो उस्मान मान को पता नहीं क्या लग रहा था कि शायद ये उसके बैठने की जगह तो उस्मान ने बस बार बार इसके ऊपर ही आके बैठ रहा था कि शायद ये उसके बैठने के लिए बिछाया गया है तो बस यहाँ पे अफतारी वगैरह हमने कर ली थी और हमने तकरीबन यहाँ पे नौ बजे जो है खाना खाया था तो बस यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो आई होप कि आपको आज की रेसिपीज और वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपसे मिलोंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर अल्लाह हाफिज